हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ इस तरीके से दे रखा है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ अ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इन टू 8 क्यूब। कोई बड़ा क्यूब है फ्रेंड, मान लो जैसे कि मेरे पे ये क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब को इक्वली 8 क्यूब के अंदर काटा गया है, ठीक है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, जो नया क्यूब आएगा उसकी साइड क्या होगी, एंड फाइंड द रेशियो बिटवीन द देम सरफेस एरिया, उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो बेसिकली फ्रेंड, मान लो मेरा जो पहले वाला क्यूब था वो कुछ ऐसा था, ये मेरा ओरिजिनल क्यूब है जो कि क्वेश्चन में गिवन था, जिसकी साइड कितनी थी 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको मैंने कट करके डिवाइड कर दिया इक्वली 8 पीस के अंदर, अब ये कुछ ऐसा बन गया। इसकी साइड मुझे मालूम नहीं है, ये मेरे को निकालनी है, और इनके सरफेस एरिया में रेशियो भी बताना है, ठीक है। यानी कि इसको इस तरीके से कुछ 8 पीस बना दिए होंगे इसके, ठीक है फ्रेंड। इसके मैंने कट करके ऐसे 8 पीस बना दिए होंगे। अब इसकी जो साइड है, ठीक है, इसकी साइड को मैं कैपिटल ए मान लेता हूँ, वो दे रखी 12 सेंटीमीटर। हमें इसकी साइड बतानी है जो कि मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ साइड मेरे पास गिवन है साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, घन की भुजा, घन की भुजा जिसको मैंने कैपिटल से शो कर दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड लेट साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, स्मॉल क्यूब माना छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, इसको मैंने मान लिया स्मॉल ए। अब बेसिकली फ्रेंड देखा जाए तो इसके जो मैंने 8 पीस किए हैं उनका वज़न और इस पूरे क्यूब का वज़न क्या होगा, सेम होगा। जैसे ही मान लो ये मेरा क्यूब है, मैंने इसमें से यहाँ पे कट लगा लगा के इसके 8 अलग अलग टुकड़े कर दिए। अगर एक तराजू में मैं इस पूरे डब्बे को रखूँ और दूसरे तराजू में वो 8 पीस रखूँ, दोनों का वज़न क्या होगा, सेम होगा। अगर दो चीज़ों का वज़न सेम होता है तो फ्रेंड उनका वॉल्यूम को क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। बट इसमें 8 क्यूब होंगे और इसमें कितना होगा, सिर्फ 1 क्यूब, तब जाके दोनों का वज़न क्या होगा, सेम होगा। तो मैं लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और इक्वल करूँगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, जो नया क्यूब आएगा, बट इसके जैसे कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई में क्या लगा दिया मैंने, 8 लगा दिया, ठीक है। हिंदी में लिखूँगा घन का आयतन इज इक्वल टू छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन, बट इसके जैसे कितने हैं, ये 8 है, तो मल्टीप्लाई में 8। अब इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होगा, वॉल्यूम निकालना है तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, इसकी साइड कितनी है 12 इंटू 12 इंटू 12। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला होता है साइड की क्यूब, यानी घन की भुजा की घन, इसको 3 बार लिख दिया। इसकी साइड कितनी है, ए इंटू ए इंटू ए, और मल्टीप्लाई में कितना है, पावर 8। अब मल्टीप्लाई में 8 है, किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, नीचे लिख दिया डिवाइड में आ गया। अब पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। काटना शुरू किया, 2 4 8 2 6 12 2 2 4 2 6 12 2 6 12, इसके ऊपर से क्यूब हटेगा तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा, क्यूब रूट 6 × 6 × 6, यहाँ से क्यूब बड़ा, सामने वाले पे क्या चला गया, क्यूब रूट। इन तीनों में से बाहर कौन आएगा, 6 आएगा, यानी कि नए क्यूब की जो साइड होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, कितने आ गई, 6 सेंटीमीटर इसकी साइड। अब दोनों के सरफेस एरिया में भी क्या बताना है मेरे को, रेशो बताना है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं रेशो ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है, यानी इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात। अब बेसिकली फ्रेंड जो छोटे वाला है, इसका जो सरफेस एरिया निकालना हो, कितने फेस हैं इसके, 1 2 3 4 5 और ये 6, एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, और 6 फेस का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर। इसका जो एरिया होता है ये भी कितना होगा, 6 ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसकी
दोनों के दोनों क्या है, क्यूब है, फॉर्मूला तो ये रहेगा, बट इसकी साइड स्मॉल है, इसकी साइड कौन है, कैपिटल है, तो इसको दिखा दूंगा मैं कैपिटल से। सिक्स से सिक्स कट गया, ए कितना है स्मॉल, सिक्स इंटू सिक्स, कैपिटल वाला कितना है ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व, सिक्स वन जै सिक्स, सिक्स टू जै ट्वेल्व, सिक्स वन जै सिक्स, सिक्स टू जै ट्वेल्व, तो इनकी रेशियो कितनी हो जाएगी, वन इज टू फोर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।